हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? तो कल का वीडियो कैसा लगा? सबको अच्छा लगा होगा मेरा जो वीडियो है, मगर आज का वीडियो सब लोगों का अच्छा नहीं लग सकता है, क्योंकि आज का वीडियो मेरा 3 महीने पुराना शूट किया गया वीडियो है और ये मेरा प्रैक्टिस सेशन है। मैं प्रैक्टिस कर करके आज मैंने जो भी बनाती हूँ या जो भी बना रही हूँ वो सब मैंने प्रैक्टिस कर करके किया है। तो आज का जो वीडियो है वो प्रैक्टिस सेशन के ऊपर है कि क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए और कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बिगिनर्स अगर देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, वो जो देख रहे हैं, वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत पुराना वीडियो है। मेरे लाइंस वगैरह सब कुछ टूटे फूटे दिखेंगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है। अगर कोई बिगिनर देख रहा है तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं पहले लाइंस के साथ जूझती थी। हर एलिमेंट मेरे प्रॉपर नहीं आते थे, फिनिशिंग ख़राब आती थी, तो मैंने उसको कैसे ठीक किया। मैं जिस मैडम से अपना ट्यूशन लेती हूँ, या यूँ कहिए कि जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उन्होंने मुझे, जब मैं उनके सामने अपने प्रॉब्लम्स लेके गई, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, सबसे पहले तुम सब कुछ भूल के लाइंस की प्रैक्टिस करो। तो मैं सबसे पहले लाइंस की प्रैक्टिस करते करते मेरे लाइंस जब ठीक होने लगे, उसके बाद मैंने छोटी छोटी एलिमेंट जैसे कि ये फ्रिल्स, स्वॉल्स, इन सब का मैंने रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू किया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे फ्रिल्स, फ्लावर्स वगैरह सब कुछ मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू किया था। तो होप सब लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मैं कैसे प्रैक्टिस करती थी और मेरा काम पहले कैसा था। लाइंस टेढ़े मेढ़े होते थे, मुझे परेशानियाँ होती थी, मुझे नोट अपना जिस डायरी के ऊपर करती थी उसको बार बार घुमाना पड़ता था, और ये सब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी जो कि अब मैं नहीं करती, क्योंकि अब मुझे इसको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। और जो भी मैं समझ रही हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए ये वीडियो। होप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं भी आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली मेरा प्रैक्टिस सेशन है। मैं छोटी छोटी एलिमेंट इसके सारे प्रैक्टिस ऐसे ही करती थी, तो सजा के वन बाय वन मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती थी। और अगर कोई बिगिनर देख रहा है ये वीडियो, तो सबसे पहले आप लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे उसके बाद जो एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो सजा के आप डिज़ाइन बना सकते हैं, मगर पेपर के ऊपर पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, ऑफ़ कोर्स मेहंदी कोन के साथ। और अगर किसी अच्छे मेहंदी का आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, अपने पिक में देख लिया, तो आप उसको पहले पेन या पेंसिल के सहारे उसको नोट में क्रैक कर लीजिए वो डिज़ाइन, और उसके बाद उस डिज़ाइन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस किया है और आप लोगों के साथ मैंने आज अपना प्रैक्टिस एक्सपीरियंस शेयर किया। तो होप आप लोगों को आज मेरा प्रैक्टिस एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।